गुड मॉर्निंग। देखो अपन देख रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन ने क्या क्या देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो आपके सपोज किसी के STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके होने के रीजन्स क्या है, ठीक है, वो सारे डिटेल्स देखेंगे। इसके अलावा रिप्रो जो एल्डोसेंस वाली है जो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये सारा अपन ने देखा। अब अपन देख रहे थे RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम देखते। इसमें अपन ने देखा था कि जो एल्डोसेंस की एज होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ है वो सारे अपन ने देखे थे। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ है वो सारे अपन ने इस टॉपिक में देखे थे। अब अपन देखते हैं कि जो गोल्स हैं RCH के, गोल्स क्या है इसके, ठीक है। तो इसका फर्स्ट गोल ये है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू है, जैसे एक तो आपके जो डिलीवरी है उसको कहाँ करवाना बेटर होता है, आपके हॉस्पिटल्स में, जो ट्रेंड आपका स्टाफ से उसको इम्प्रूव करना, या कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना RCH का मेन गोल्स है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, या कह सकते हैं आपके जो ट्रेंड आपका जो सिस्टम है, जैसे आपके जो नर्सेज हैं, ठीक है, डॉक्टर्स है, इस पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर वो ट्रेंड होगा तो आपके जो डिलीवरी होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होगी तो जो चाइल्ड की डेथ रेट है और जो मदर की डेथ रेट है वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी है, कौन कौन से वैक्सीन प्रेग्नेंट मदर को लगनी चाहिए, कौन से वैक्सीन चाइल्ड को लगेंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में उसकी इम्यूनिटी क्या रहेगी, आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो ये सारे ऑब्जेक्ट किसके हैं, आपके RCH के, ठीक है। इसके अलावा जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है, मान लो किसी की फर्टिलिटी नहीं है, किसी के चाइल्ड नहीं हो रहे, तो उनको कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, बच्चों में गैप रखने के क्या तरीके हैं, इसके अलावा दो बच्चों में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आपकी कैसे हेल्प करेगी, ये सारे आते हैं। अब एक टेक्निक आती है एमनियोसेंटोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टेक्निक है एमनियोसेंटोसिस। जैसे ये प्रेग्नेंट वुमन है, उसका यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में कौन है आपका, ये बेबी है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, इसके अंदर क्या है, बेबी। अब जो बेबी जिस फ्लूड से सराउंडेड होता है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूड। अब जो ये एमनियोटिक फ्लूड होता है उसको डिटेक्ट करके उसको क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, कोई हेरिडिटी डिजीज तो नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूड निकाल के जो बेबी का जो जीन्स का एनालिसिस किया जाता है, आजकल तो साइंस इतना डेवलप हो गया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन थेरेपी की हेल्प से उसमें कोई डिसऑर्डर है तो उसको क्योर कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एमनियोसेंटोसिस वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से जो प्रेग्नेंट वूमन है उसके यूट्रस में से एमनियोटिक फ्लूड निकाल के उसको एनालिसिस करके ये देखा जाता है कि बच्चे में कोई साइड इफेक्ट, कोई डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, ताकि उसको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही क्योर कर सके। ये होता है आपका एमनियोसेंटोसिस टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक का मेन यूज यही है। अब इसका क्वेश्चन बनता है इसका मिसयूज क्या है। इसका मिसयूज क्या करते हैं, लोग एमनियोटिक फ्लूड को निकालते हैं
और इसकी हेल्प से सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या करते हैं आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जो वुमन है उसके यूट्रस में मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको क्या कर दिया जाता है, अबोर्ट कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये इस टेक्निक का सबसे बड़ा मिसयूज है, इसलिए आपके इंडिया में ये कम्प्लीटली बैन है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज एम्नियोसेंटोसिस। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एम्नियोसेंटोसिस पूछा जाता है तो ये लिख देते हैं कि इसका यूज सेक्स डिटर्मिनेशन बताइए, मिसयूज है इसका। तो मिसयूज पूछे तो शॉर्ट नोट आए तो उस हिसाब से ठीक है। तो एम्नियोसेंटोसिस टेक्निक क्या होगी, उसका मिसयूज क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो मिसयूज है इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली बैन कर रखा है इंडिया में। और जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे सेक्स का इतनी वैल्यू नहीं होती, चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, उनके लिए इक्वल है। अपने जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जेंडर में अपने मिस विवेयर है, जो जेंडर में आपके डिफ्रेंशिएशन है, वो ज़्यादातर यही है ठीक है। तो इसकी वजह से आप ये कम्प्लीटली क्या इंडिया में आपका बैन है। और जो आपके हैं क्या क्या डिटर किस किस से पता चल सकता है कि जो आपका फिटस है वो कैसा है। तो आपके सोनोग्राफी का नाम तो सबने सुना ही होगा, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। सोनोग्राफी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी अल्ट्रासाउंडग्राफी। सोनोग्राफी की जाती है, उससे भी पता करता है कि जो बेबी है उसकी चाइल्ड जो बेबी है उसकी हार्ट बीट आ रही नहीं है या उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट चल रहा नहीं है। तो ये आपके इसके डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे गोल्स हैं आपके RCH के गोल्स हैं। तो अपन ने ये कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनके अपन ने बेसिक आपके कंसेप्ट देखे। अब ये कह रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, ये जो पॉपुलेशन आपकी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे। कंट्रोल इसलिए करेंगे कि क्योंकि आपके जो फूड रिसोर्सेज हैं ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो आपको एक बैलेंस अमाउंट में आपको इजीली अवेलेबल हो, इसलिए अपन क्या करेंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल। और एक आपके एक स्लोगन भी चलता है, एक नारा भी चलता, हम दो हमारे दो ठीक है, हम दो हमारे दो, मतलब हस्बैंड वाइफ उनके दो ही बच्चे होंगे। आपने खुद ने देखा होगा जब दो ही चाइल्ड होते हैं या वन चाइल्ड होता है तो उसकी जो हर रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। एक आपका पिक्चर देखा होगा जिसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, एक शॉर्ट फैमिली होती है। तो जो शॉर्ट फैमिली होती है जिसमें पेरेंट हो जाएंगे और उनके चाइल्ड हो जाएंगे तो उनकी हर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, वो बैलेंस लाइफ जीते हंसी खुशी से रहते हैं। और एक बहुत सारे एक पर कपल है उसके चार पांच बच्चे हैं तो ना तो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, मदर की आपकी जो हेल्थ आती है वो भी डाउन होती है क्योंकि उसके चाइल्ड ज़्यादा है और इसके अलावा चाइल्ड में गैप नहीं है तो मदर की जो बॉडी है वो भी प्रिपेयर नहीं होती। इसके अलावा उन सब की जो केयर करनी है, देखभाल करनी है, एजुकेशन है, वो सारा क्या होता है इससे इफेक्टेड होता है। तो अब इसलिए अपन को क्या करना है, बर्थ को कंट्रोल करना। अब बर्थ कंट्रोल करने के लिए क्या क्या यूज होते हैं, कौन कौन से अपन कंट्रासेप्टिव्स यूज करेंगे वो अपन डिटेल से देखेंगे। तो अगला है पॉपुलेशन कंट्रोल या बर्थ कंट्रोल। अगला क्या हो जाएगा अपना, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के कंट्रासेप्टिव्स यूज करेंगे जिसमें अलग अलग मेथड्स होंगे, बेरियर मेथड्स हैं, हार्मोनल मेथड्स हैं। एक्चुअल में ये चैप्टर का जो मेन टॉपिक्स है इसी से स्टार्ट होते हैं, इससे पहले आपके एम्नियोसेंटोसिस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई सेक्स एजुकेशन आर नेसेसरी इन स्कूल्स। मैं बना देती हूँ, व्हाई सेक्स एजुकेशन आर नेसेसरी इन स्कूल्स, कि स्कूल्स में जो सेक्स एजुकेशन है वो नेसेसरी है क्या, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन नेसेसरी है। इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इसके अलावा सेक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं ठीक है, इसके अलावा आपके जो प्यूबिक रीजन है जहाँ हेयर की ग्रोथ होती है उनको कैसे मेंटेन रखना है, जो प्यूबिक रीजन है उनका क्लीननेस कैसे रखना है,
हाइजीन कैसे मेंटेन करना आपको, ठीक है, अगर कोई एसटीडी हो गई अर्ली उसके सिम्टम क्या होंगे, ये सारा इस आपके सेक्स एजुकेशन में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड और भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, किस एज में शादी होनी चाहिए, बच्चों में कितना गैप होना चाहिए, ये सारे किस में आते हैं आपके सेक्स एजुकेशन में। तो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनमें उनको बच्चों को क्लियरली उनके जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं या उनके जो भी प्रॉब्लम है अपन को बताना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा आपके सेक्स से रिलेटेड जो भी मिथ है, जो मिसकंसेप्शंस है, वो क्या हो जाएंगे आपके खत्म हो जाएंगे। तो सेक्स एजुकेशन आर नेसेसरी इन स्कूल्स, बच्चों की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से यूज़ या क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कंट्रासेप्टिव्स, कंट्रासेप्टिव्स का मतलब वो वाले तरीके, वो वाले साधन जिसकी वजह से बच्चों में क्या किया जाता है, आपका गैप किया जाता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो आपके हैं कंट्रासेप्टिव्स, कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है कि जो गुड कंट्रासेप्टिव्स है, जो अच्छी क्वालिटी का कंट्रासेप्टिव्स है, या जो बेटर कंट्रासेप्टिव्स है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब आपको आप उसको खुद ही यूज करो, आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं हो या किसी की हेल्प की जरूरत नहीं हो। तो सबसे पहला यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल हो जाए, आसानी से आपको कहीं भी मिल जाना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें आपको बैड फील नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं आपके गुड जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। फिर से रिकॉल कर रही हूँ, जो गुड कंट्रासेप्टिव वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इसके अलावा आप खुद उसको यूज कर सकते हो, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे क्या हैं आपके एक जो गुड कंट्रासेप्टिव्स हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जो कैटेगरीज होती है कंट्रासेप्टिव्स की, तो अपन यहाँ देखेंगे कैटेगरीज ऑफ कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव की कौन सी कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज ऑफ कंट्रासेप्टिव, तो इसमें अपन अब चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले है नेचुरल, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड्स। तीसरा हो जाएगा आपका ओरल, चौथा हो जाएगा आपका इंजेक्टिबल, और अगला हो जाएगा आपका सर्जिकल। ये सारे मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है, और इनको अपन डिटेल से देखेंगे। फिर से देखते हैं अपन जो कंट्रासेप्टिव है उसकी कैटेगरीज क्या होगी, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, ओरल, इंजेक्टिबल और सर्जिकल। नेचुरल का मतलब जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके प्रोसेस के बेस पे अपन देखेंगे कौन कैसे क्या यूज कर सकते हैं। बैरियर का मतलब स्पर्म और ओम की मेटिंग होने से बचाएंगे। ओरल का मतलब ओरल उसको लेंगे। इंजेक्टिबल मतलब यूट्रस में ऐसा कोई डिवाइस इंजेक्ट कर देंगे जिसे स्पर्म और जो ओवम है उसका फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा। सर्जिकल का मतलब सर्जरी से उनको क्या कर दिया जाएगा, आपका रिमूव कर दिया जाएगा। सर्जिकल में क्या होंगे, सर्जिकल से उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो पहला देखेंगे अपन नेचुरल मेथड्स, कंट्रासेप्टिव्स के कौन से मेथड देखेंगे अपन, नेचुरल मेथड्स, कंट्रासेप्टिव्स नेचुरल मेथड। फर्स्ट हो जाएगा आपका नेचुरल मेथड। अब इसमें भी फर्स्ट कौन सा है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसका मतलब ये है
जो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो इसकी एवरेज डेट मानते 20 है। तो जैसे आपका मेंस्ट्रुअल फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया और ये 28 डेज है, तो जो ओवरी है उससे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, ओम रिलीज होता है। और ये कब होता है आपके 14 डेज को, कब होगा आपका 14 डेज को। तो 10 से लेके आपके जो 17 डेज का टाइम होता है, 10 से लेके जो 17 डेज का टाइम होता है, अगर इस ड्यूरिंग फिजिकल कांटेक्ट होंगे, सेक्सुअल रिलेशन बनेंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं अपना, फर्टाइल पीरियड। क्योंकि जब ओवरी से ओवा रिलीज होगा, ओवा रिलीज हुआ है उसको स्पर्म मिल जाएगा, वो फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके, फर्टिलाइजेशन। तो कोई भी आपका कपल है जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, चाइल्ड नहीं चाहिए, तो वो 10 से लेकर 17 डेज के बीच में क्या करेगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉर्ड्स क्या करेगा, अवॉइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड है, इसी ड्यूरेशन आपके ओवा रिलीज होगा। अगर इस मेथड में जो 10 से लेके 17 डेज है या फर्टाइल जो पीरियड है उसमें सेक्सुअल रिलेशन नहीं होंगे, तो आपके कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या आपका पीरियोडिक एब्सेंस, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सबसे, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो फीमेल्स का पीरियड्स है, किसी का 30 डेज होता है, किसी का 32 होता है, किसी का 35 होता है, कईयों के 3 3 मंथ्स भी होते हैं, तो जो ओवुलेशन पीरियड है उसका पता नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी हैं। बट इन जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है उनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर होंगे, ना क्या कह सकते हो आप, हो ही नहीं सकते। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको आपके ओवुलेशन पीरियड का पता नहीं है तो प्रेगनेंसी आपके गेन भी हो सकती है। तो नेचुरल मेथड में पहला था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो फर्टाइल पीरियड के अंदर 10 से लेकर 17 डेज में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होंगे तो आपकी फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। दूसरा है आपका विड्रोल, दूसरा मेथड क्या है आपका, विड्रोल। विड्रोल ठीक है, जैसे सपोज मेल और फीमेल जो पार्टनर है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं, तो जैसे आपकी इंसिमिनेशन हुआ या सीमन रिलीज हुआ, जो सीमन रिलीज हो रहा है तो उसी टाइम जो पेनिस है उसको वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके स्पर्म है वेजाइना में इंजेक्ट नहीं होंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। विड्रॉल में क्या किया जाएगा, जैसे ही आपके सीमन रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप कॉइड्स, तो जो आपका पेनिस है उसको वेजाइना से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, जो सेमिनल फ्लूड है वो वेजाइना से बाहर आ जाएगा, वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो सीमन में स्पर्म रिलीज हुए उन वो क्या करेंगे आपके बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में एंटर नहीं होंगे और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, सीमन को बॉडी में रिलीज नहीं किया जाता। एक होता है आपके इसमें लैक्टेशनल पीरियड, थर्ड क्या हो जाएगा, लैक्टेशनल पीरियड। लैक्टेशनल पीरियड में क्या होगा, लैक्टेशनल पीरियड वो पीरियड होता है अगर कोई मदर है जो फीडिंग करवा रही है, मतलब फीडिंग वाली जो मदर है वो बच्चे को फीडिंग करवा रही है। तो साइंटिफिकली होता क्या है, बर्थ से लेके 6 मंथ तक, बेबी की बर्थ से लेके 6 मंथ तक क्या होता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवा रिलीज नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो लैक्टेशनल पीरियड होता है उसमें जो फीमेल्स होता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, ओवा रिलीज नहीं होता और आपके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होता। बट ये हर लेडीज में अलग अलग होता है, किसी के जैसे उसकी बेबी की बर्थ हुई अगले महीने से आपका क्या होता,
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होएगा तो आपके ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो लैक्टेशनल पीरियड में भी प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये सारे कौन से मेथड थे आपके, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्टिव मेथड थे जो नेचुरल थे। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें देखेंगे बेरियर मेथड्स।